सो गाइस, आज आप लोगों की एजिस की सेकंड क्लास है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप अपना सेकंड क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, तो एजिस में देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है 6 साल पहले मदर्स एज वाज 18 ईयर्स मोर देन सन्स एज, मतलब कि बच्चे की आयु से 18 वर्ष ज्यादा क्या है, मदर की एज है, और ये कब है, 6 ईयर्स एगो। ठीक है, अगर मैं 6 साल पहले की बात करता हूं तो मदर्स की एज क्या है, अगर मैं सन की एज को एक्स मान लेता हूं, अगर मैं सन की एज को एक्स मान लेता हूं तो मदर्स की एज क्या आ जाएगी हमारी, एक्स प्लस 18। ठीक है, अगर मैं सन की एज को एक्स मान लेता हूं तो हमारी मदर्स की एज क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 18, क्योंकि वो उससे 18 साल अधिक है ना। अब देखिएगा आगे, इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 30, अगर उनकी वर्तमान आयु का सम क्या है, प्रेजेंट एज, अगर उनकी वर्तमान आयु का जोड़ क्या है, 30 है, मतलब कि अगर इन दोनों की आयु का सम क्या निकल कर आएगा, 30 आएगा। ठीक है, व्हाट वाज द एज ऑफ मदर 6 ईयर्स बैक, मतलब कि 6 वर्ष पहले मदर्स की एज क्या थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्स प्लस 18 हमने मान लिया, अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हमने ये माना था पहले 6 साल पहले और अब प्रेजेंट में आए हैं, तो अब क्या करना है, इसमें 6 और जोड़ दो, इसमें 6 और जोड़ दो, क्योंकि 6 साल आगे बढ़े ना, तो 6 साल और जोड़ दो, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स प्लस 18 और 6 24। ठीक है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6। ठीक है, इन दोनों का योग क्या है, 30 है ना। अगर हम इन दोनों का अज को ध्यान से देखते हैं, 24 और 6 30, तो 30 तो हमारा यहीं से मिल गया, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू रही है वो क्या रही है हमारी, 0। अगर हमें इसको दोनों को जोड़ का हमारा जोड़ क्या आएगा, 30 आना है, तो अगर इन दोनों वैल्यू को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को ही ऐड करूं तो हमारा 30 आ जाता है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 है ना, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो मदर्स की एज हमसे 6 साल पहले पूछी है, मतलब कि यहां पर पूछी है, तो x प्लस 18, मतलब कि हमारी मदर्स की एज क्या आ जाएगी, 18 ईयर्स, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 18 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत धीरे धीरे हर चीज को मैं समझाते हुए चला हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द टोटल एजिस ऑफ ए बी एंड सी एट प्रेजेंट इज 90 ईयर्स, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो उनकी तीनों की टोटल एज क्या हो गई, 90 वर्ष है ना, और 10 साल ऑफ देयर मतलब 10 ईयर्स ऑफ देयर एज वाज, मतलब कि अगर 10 साल पहले की बात करूं, वाज आ गया यहां पर, वाज आ गया तो मतलब कि 10 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 10 ईयर्स एगो, ठीक है, 10 साल पहले की वो बात कर रहा है, तो अगर मैं बात करता हूं ए बी सी, ठीक है, तो अब देखो, 10 ईयर्स ऑफ देयर एज वाज 1:1:2:3, ठीक है, 10 वर्ष पहले का आयु का अनुपात दिया हुआ है ना, तो हमसे पूछी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब कि यहां पर क्या, प्रेजेंट एज, ठीक है, तो ये हमारा आयु का अनुपात था, इसमें 10 10 वर्ष अगर हमने और जोड़ दिए तो हमारी प्रेजेंट एज बन गई थी ना, अगर इसमें 10 10 वर्ष और जोड़ दे तो हमारी प्रेजेंट एज बन गई। अगर हमें यहां से पीछे की तरफ जाना है, मतलब कि 10 10 एज माइनस करनी है, तो 10 इसकी माइनस होगी, 10 इसकी माइनस होगी और 10 इसकी माइनस होगी, टोटल हमारी 30 ईयर्स माइनस हो गई,
तो 90 में से अगर कितना गया, 30 गया, तो हमारा क्या आ गया 60 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट एज में हमारा सम क्या था 90 ईयर्स। 10 वर्ष अगर पहले चलेंगे तो 10-10 वर्ष तीनों की एज कम हो जाएगी, तो हमने वो माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 60 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि इस जगह पर हमारा टोटल एज क्या है 60 साल। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, अगर हमारी ए की एज 1 है, बी की एज 2 है और सी की एज 3 है, ठीक है, अगर हमारी ये है तो हमारा टोटल क्या बना 6। अगर हमारी एज ये होती तो हमारा टोटल एज कितनी होती 6, लेकिन टोटल एज 6 ना हो करके है कितनी 60। कितने गुना पर बैठा है 10 गुना। तो रेशियो में बैठी प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, प्रत्येक मान उतने गुना है, मतलब कि जितने भी यहां पर रेशियो में वैल्यू बैठी है वो सबका 10-10 गुना कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ बी की वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं बी में क्या करना है 10 की गुना करूंगा तो हमारा क्या आएगा 20। ये तो आ गई 10 साल पहले की आयु, 10 साल आगे मतलब कि प्रेजेंट में बात करता हूं, तो हमसे बी का प्रेजेंट एज पूछी है, तो उसके लिए 20 में क्या करेंगे 10 और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 30 ईयर्स। आंसर क्या आएगा 30 ईयर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो द रेशियो ऑफ फादर्स एंड सन्स एज इज 7:4। फादर और सन की आयु क्या है 7:4। ठीक है, ये है हमारी फादर्स और सन की आयु। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 1008। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1008। ठीक है, अगर मैं रेशियो की वैल्यू की बात करता हूं तो रेशियो क्या होती है हमारी सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो इसमें क्या होती है सबसे छोटी वैल्यू। सपोज करो हमारा क्या था 14:8। ठीक है, सपोज हमारी इसकी जगह रेशियो दी होती 14:8। ठीक है, तो अब इसको हम कट करके क्या आता हमारा 7:4। बात तो वही है ना, रेशियो क्या होती है सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा दिया होता क्या 21:12। तो फिर अब हम क्या करते, अब हम यहां पर 3 से कट कर देते है ना, तो यहां पर क्या आ जाता 7 और यहां पर क्या आ जाता 4। वही बात है सेम है ना, मतलब कि आपको एक बात समझ आई कि ये जो रेशियो होती है वो क्या होती है सबसे छोटी वैल्यू। इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर करके हमारी क्या आती है एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर करके क्या आती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। ये रेशियो कैसे बनी है उनको कट करके मतलब कि डिवाइड करके है ना, तो डिवाइड से वापस वैल्यू की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं यहां पर एक्स मान लेते हैं है ना, 7x या 4x है ना, यही मानते हैं ना। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें क्या 1008। अगर मैं 7x मल्टीप्लाई कर दूं 4x से, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या दिया है 1008। ठीक है, अब मैं इनकी दोनों की गुना करूंगा तो 7 चौक कितना हो गया 28। 28x² = 1008। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट काट दूं तो क्या आएगा हमारा 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। मतलब कि अब हमसे क्या पूछा है
the ratio of their ages after 6 years hence, मतलब कि अब से 6 साल बाद की आयु है ना, तो अगर मैं अब की आयु की बात करूं तो x 6 आ गया तो इसकी भी 6 से गुना और इसकी भी 6 से गुना है ना, तो अब क्या हो गया ये 24 और ये 42, ठीक है। लेकिन उसने पूछा अब से, हमने अब की तो आयु निकाल ली, अब से क्या पूछा 6 साल बाद, इन दोनों में 6-6 और जोड़ दो है ना, ये कितना हो जाएगा 48 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 और 6 30, तो ये कितना हो गया हमारा 78 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की सम की आयु 6 साल बाद कितनी आ जाएगी 78 ईयर्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो केवीएस 2018 के पीआरटी में पूछा गया है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका 2018 केवीएस किसमें पूछा गया था, पीआरटी प्राइमरी टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 2 years ago रितु वाज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। आपने सिर्फ इतना पढ़ा फिर क्या करा, इसको उतार लिया, मतलब कि 2 years ago, 2 years ago 2 साल पहले की बात हो रही है। अब से कोई भी कुछ बात बोलता है तो वो प्रेजेंट में खड़े होके बोलता है ना, 2 years ago मतलब कि अब से 2 साल पहले। यह है रितु और यह है उसकी डॉटर, ठीक है। उसने बोला कि क्या, रितु वाज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। अगर उसकी डॉटर को हमने एक्स मान लिया तो उसका 3 गुना मतलब कि 3x ये हो जाएगी रितु की एज, है ना। अगर उसकी डॉटर को हमने एक्स मानू तो क्या रितु की एज क्या हो जाएगी, उसके 3 गुना 3 times मतलब कि 3x, ठीक है। तो अब अगर 2 साल आगे मतलब कि प्रेजेंट में चलते हैं, अगर हम प्रेजेंट में चले तो अब क्या होगा, 2-2 साल ऐड करनी है ना, तो रितु की अब प्रेजेंट में क्या हो जाएगी 3x+2 और डॉटर की एज क्या हो जाएगी x+2, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। 2 years hence twice her age will be equal to 5 times that of her daughter, ठीक है। मतलब कि अब से 2 साल आगे है ना, यहां से 2 साल आगे नहीं, जब भी बात करते हैं हम प्रेजेंट में खड़े होकर बोलते हैं, मतलब कि प्रेजेंट से 2 वर्ष आगे, ठीक है। तो 2 years hence 2 वर्ष आगे की बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x+4+2 हो जाएगा ना इसमें, तो 3x+4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x+4। इतना आप लोगों को समझ आया। उसने क्या बोला कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, ट्वाइस हर एज मतलब कि रितु का 2 गुना, ठीक है। ट्वाइस हर एज रितु का 2 गुना मतलब कि अगर ये 2x है किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हर डॉटर, मतलब कि 5 गुना किसके, उसकी डॉटर के, तो ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब देखो सेम वेरिएबल अगर नहीं रखना तो हम वाई ले सकते हैं, डबल वेरिएबल हमारा बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए हम सिंगल वेरिएबल में भी क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या समझ आया आपको, क्या ये इसका मतलब ये है कि 2x 5x के बराबर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2x मतलब कि 2 गुना किसका, रितु की आयु, रितु की आयु क्या है 3x+4, 2 गुना किसका, रितु की आयु का 3x+4 किसके बराबर है,
डॉटर के 5 गुना, मतलब कि 5 गुना किसका, डॉटर की एज का। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सोल्व करना है। ये आ जाएगा हमारा 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। ठीक है, अब क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा तो हमारा x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, तो अब पूछा क्या हमसे, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रितु एंड हर डॉटर, मतलब इन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज में अगर मैं यहां के बारे में बात करूं तो ये क्या है, 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 हमारा क्या बन जाएगा, x हमारा 12 है तो 12 3 36, 36 और 2 38, 38 प्लस ये हमारा क्या है, x क्या है हमारा 12, 12 और 2 14। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 38 और 14 कितना हो जाएगा, 52। इन दोनों की आयु का सम क्या आया हमारा, 52 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 52 ईयर्स दिया गया है, सी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ एज ऑफ मुकेश एंड राम वाज 6:5, मतलब कि 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात कर रहा है, किस किस की बात कर रहा है, मुकेश और राम की। तो क्या है, 6:5, 6:5। ठीक है, एंड 4 ईयर्स हेंस, मतलब कि पहले तो वो आएगा प्रेजेंट में, उसके बाद क्या आएगा, इससे 4 ईयर्स हेंस, मतलब उससे 4 वर्ष आगे, रेशियो ऑफ एजिस विल बी 4 ईयर्स हेंस। तो इनकी रेशियो क्या हो गई, 11:10, 11:10। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, मतलब कि राम की प्रेजेंट आयु पूछी है। ठीक है, तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां से आए हम कहां तक, यहां तक, 5 से गए 10 तक, कितना डिफरेंस आया, 5 से 10 तक, 6 से 11 तक, कितनी रेशियो का अंतर आया, 5 रेशियो का, कितनी रेशियो का, 5 रेशियो का। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 6 साल पहले और 4 साल आगे, 6 साल तो पहले वाले और 4 साल आगे वाले, टोटल कितने हो गए, 10। मतलब कि ये जो यहां से यहां तक हम चले, ये 5 रेशियो का जो अंतर आया, आया किसकी वजह से, इन 10 साल की वजह से, 6 तो पहले 4 बाद में, यहां से यहां तक कितने हो गए, टोटल 10 साल। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, अगर 5 की 10 है तो 1 की क्या है, 2। एक रेशियो की वैल्यू क्या है, 2। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 की गुना, मतलब कि ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें 2 की गुना, ये क्या हो जाएगा हमारा, 12। ठीक है, लेकिन हमें इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके तो हमें करने ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, राम का। इसमें 10 की गुना करिए, मतलब 2 की गुना करिए तो क्या आ गया हमारा, 10। अब ये क्या है, 6 साल पहले, लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रेजेंट एज, मतलब कि 10 में कितना, 6 और जोड़ दूं, कितना जोड़ू, 6 साल आगे जाके हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या है, 16 ईयर्स। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 16 ईयर्स दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर 110 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो राम और श्याम की एज क्या है, 110 वर्ष। ठीक है, 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, 20 ईयर्स एगो
20 साल पहले क्या है, रेशियो ऑफ देयर एजेस आर 4:3, राम और श्याम इनके एजेस का अनुपात क्या था 20 साल पहले, 4:3, ठीक है 4:3, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, प्रेजेंट एज में दोनों का सम क्या दे रखा है 110। अगर मैं 20 वर्ष पहले पहुंचता हूं तो 20 वर्ष तो राम की घट गई और 20 ही वर्ष श्याम की घट गई, तो टोटल हमारी कितनी घट गई 40। अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो हमारा क्या आता है 70। मतलब कि इन दोनों की इस वक्त 20 साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो इन दोनों की आयु कितनी थी टोटल 70, ठीक है टोटल 70। अगर लेकिन यहां पर अगर मैं मानू राम की एज 4 है और श्याम की 3 है तो टोटल हमारी कितनी होती 7, लेकिन 7 ना हो करके है कितनी 70, कितनी गुना पर 10 गुना पर, ठीक है तो दोनों का क्या हो जाएगा 10 गुना, ठीक है तो यहां पर क्या 40 आ गया और यहां पर 30 आ गया, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पर क्या आएगा राम, ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो देखिएगा यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ राम की अगर मैं बात करूं तो राम की एज 40 थी 20 वर्ष पहले, तो अब प्रेजेंट में क्या हो जाएगी 40+20 कितनी हो जाएगी 60 इयर्स। आंसर क्या आएगा हमारा 60 इयर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा ये आप क्वेश्चन है, राम्स एज इज 3 इयर्स मोर देन थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। मतलब कि अगर मैं राम और उसके सन की बात करता हूं तो क्या है, राम की एज क्या है 3 इयर्स मोर देन और 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स, मतलब सन की एज अगर मैं एक्स मानूं तो इसका क्या है 3 टाइम्स, मतलब कि 3x, और उससे कितना ज्यादा 3 इयर्स मोर, मतलब कि 3x+3, ठीक है। उसके बाद देखो 3 इयर्स हैंस, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ये हम क्या बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम प्रेजेंट मान लेते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम 3 वर्ष आगे की बात करते हैं, 3 years hence, तो क्या बोला है, राम्स एज इज 10 ईयर मोर देन दैट ऑफ दैट 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज। मतलब कि सन के एज की, देखो अगर मैं यहां से 3 साल आगे बढ़ता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x+6, 3 साल जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x+3, ठीक है x+3, 3 साल जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है 3 साल बाद क्या हुआ, राम्स एज इज 10 ईयर मोर, ठीक है इससे 10 साल मोर देन सन से, ना इससे 10 साल ज्यादा, तो ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, 3x+6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 2 गुना किसका x+3 प्लस का 10, ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब कि ये इसकी जो राम की जो एज है ना वो इसके इक्वल है। देखो यहां पे यही बोला है 3 इयर्स हैंस राम्स एज इज 10 ईयर मोर, 10 साल अधिक है ना, दैट 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज, मतलब कि सन की एज क्या थी ये थी उससे 2 गुना, ठीक है। ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसे सॉल्व कर देना है, 3x+6 इज इक्वल टू 2x+6+10, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी 10। तो हमसे पूछा क्या है,
प्रेजेंट एज का सम, नहीं प्रेजेंट एज पूछी है, दोनों की अलग अलग, ठीक है। तो एक्स हमारा 10 आ गया, तो प्रेजेंट एज क्या है 3x प्लस 3, मतलब कि 30 प्लस 3 33 हो गई, राम की एज क्या आ गई 33। तो आप लोग सबसे पहले इसकी एज ना निकाल करके सबसे पहले ऑप्शन में जाइए, किसमें 33 है, सिर्फ ए ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। लेकिन अगर सोल्व करना है तो उसके बाद देखिए, इसकी आ गई 33 ईयर्स और सन की हमारी क्या आ गई 10 ईयर्स, वही दिया हुआ है, ठीक है। और ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, है ना। अब आपको एक्स की वैल्यू, अगर हमें मतलब सन की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 10, 10 ए की ऑप्शन है गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोगों की क्लास सिर्फ आज यहीं तक रखते हैं, आपका टॉपिक एजिस कंप्लीट होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। तो अभी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काफी टॉपिक हो चुके हैं, है ना। तो आप तैयारी करते हुए चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चीजों को, है ना, ताकि उनका भी भला होए, वो भी एग्जाम में अच्छी परफॉर्म करें।